दोस्तों साल 2012 में आया सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के तो आप सभी ने देखा ही होगा, जहां इस सीरियल में हमें गुंजन और रचना की कहानी देखने को मिली थी। इन दोनों ने ही इस सीरियल में अपनी चुलबुली और दिलचस्प स्टोरी से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जहां दर्शकों ने भी इनकी स्टोरी से लेकर इन कलाकारों की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया, जिसके चलते ये काफी ज्यादा फेमस भी हुई और यही वजह है कि दर्शक आज भी इन्हें याद करते हैं। लेकिन इस सीरियल को प्रसारित हुए आज करीबन 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में गुंजन और रचना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां भी काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन दोनों अभिनेत्रियों की आज के बारे में बताने वाले हैं कि आज ये कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों अदाकाराओं के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल में गुंजन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की, तो बता दें इनका असली नाम रूपल त्यागी है, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1989 को मुंबई में हुआ था और इसी के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से ही कंप्लीट की। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में आया सीरियल हमारी बेटियों का विवाह से की थी। इस सीरियल में इनका किरदार अहम देखने को मिला था। इन्होंने अपने इस सीरियल में किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था, जिसके बाद इन्हें आगे जाकर सीरियल दिल मिल गए, कसम से और सपने सुहाने लड़कपन के जैसे सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। इन्होंने अपने हर एक सीरियल्स में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते आज भी दर्शक इन्हें एक टैलेंटेड अभिनेत्री मानते हैं। अब बात करते हैं सीरियल में रचना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की, तो आपको बता दें इनका रियल नेम महिमा मकवाना है। इनका जन्म साल 5 अगस्त 1999 को मुंबई में हुआ था और इसी के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की थी। लेकिन अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो बता दें ये बाल कलाकार के तौर पर साल 2008 में मोहे रंग दे सीरियल में कैमियो में नजर आई थी। इन्होंने बाल कलाकार के तौर पर कई सीरियल्स में काम किया है, जिसके बाद ये लीड रोल में सीरियल सपने सुहाने लड़कपन में रचना के किरदार को निभाते हुए नजर आई थी। बाद में इनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर इन्हें सीरियल के साथ साथ फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, तभी तो ये साल 2019 में शॉर्ट फिल्म ट्रैक 2 में नजर आए और खूब पॉपुलर भी हुई। पर बात करें सीरियल में नजर आए इन दोनों अभिनेत्रियों की आज की, तो बता दें आज इस सीरियल को प्रसारित हुए करीबन 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में रूपल त्यागी और महिमा मकवाना भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। जहाँ इस सीरियल में रूपल त्यागी अपना हेयर स्टाइल छोटा रखकर ट्रेडिशनल और वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुए काफी यंग और खूबसूरत नजर आई थी, वहीं आज इन बीते हुए सालों में 32 साल की हो गई है, आज भी ये काफी खूबसूरत नजर आती है। वहीं आज पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिखती हैं, साथ ही ट्रेडिशनल और वेस्टर्न ड्रेसेस में डिफरेंट पोज देते हुए नजर आती है। वहीं आपको बता दें आज मुंबई में सिंगल रहकर अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है और अपनी एक्टिंग करियर में भी सक्रिय है। इसी के साथ सीरियल में सिंपल सूट पहने हुए और एक चोटी में काफी सिंपल सी और मासूम सी नजर आई महिमा मकवाना इन बीते दौर में 22 साल की हो चुकी है और इन सालों में ये भी काफी ज्यादा बदल गई हैं। आज ये पहले से कई ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं और काफी स्टाइलिश भी हो गई हैं, जहां ये ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस में देखी जाती हैं, जिनमें ये काफी ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। आज ये मेकअप के साथ साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। लेकिन बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो बता दें ये मुंबई में सिंगल रहकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है और ये अपनी एक्टिंग करियर में भी एक्टिव है, जो कि बीते समय पहले ही फिल्म अंतिम में देखी गई थी। तो दोस्तों आप सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के इन दो अभिनेत्रियों के आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।